नमस्कार दोस्तों, टेक्समेको रेल इंजीनियरिंग लिमिटेड के Q2 के रिजल्ट आ चुके हैं। और दोस्तों आज के दिन टेक्समेको इंफ्रा के भी रिजल्ट आए हैं, तो उसको भी आप देख सकते हो। वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। और दोस्तों अगर इसका हम रिजल्ट की बात करें तो ये सारी अमाउंट जो आप देख पा रहे हो ये सारी लैक्स में है, और प्रीवियस ईयर का रिजल्ट यहाँ पर मेंशन है, और प्रीवियस क्वार्टर यहाँ पर, और इस Q2 का रिजल्ट यहाँ पे है। तो दोस्तों अगर इनकम की बात करें हम, तो जो लास्ट टाइम कंपनी ने 49,465 लाख जो इनकम जनरेट की थी उससे बढ़ के ये 81 तक हो चुकी है। तो ईयर ऑन ईयर तो बहुत बड़ा जंप है ये इनकम में, और क्वार्टरली वाइज भी देखिए तो एक शानदार जंप है, लगभग 69,000 से बढ़ के 81 तक। तो ईयर ऑन ईयर और क्वार्टरली वाइज इनकम में बढ़िया गैप देखने को मिल रहा है, गैप अप। और एक्सपेंस अगर हम देखें कंपनियां, तो टोटल एक्सपेंस जो निकल के आ रहा अभी, लास्ट टाइम था 48,000, तो उससे बढ़ के एक्सपेंस हो चुका है कंपनी का 77,400 तक। तो एक्सपेंस भी काफ़ी बढ़ा है, और क्वार्टरली वाइज भी देखें तो प्रीवियस क्वार्टर में 68,000 था, तो उसके मुकाबले भी काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है एक्सपेंस। और अगर हम नीचे नेट प्रॉफिट की तरफ जाएं कंपनी के, तो यहाँ पे आप नेट प्रॉफिट देख सकते हो, प्रॉफिट फॉर द पीरियड। यहाँ से अगर हम सीधा जाएं यहाँ पर 2020, तो अभी के टाइम पे जो नेट प्रॉफिट निकल के आ रहा है वो आ रहा है 2020 लाख, यानी कि ये आपके हो गए 20 करोड़, जो कि पहले 11 करोड़ 88 लाख थे, तो उससे बढ़ के 20 करोड़ 20 लाख तक हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर शानदार परफॉर्मेंस है कंपनी की, और प्रीवियस क्वार्टर में देखें तो सिर्फ 8 करोड़ थे, तो 8 करोड़ से 20 करोड़, ये तो दोस्तों डबल से भी ज़्यादा हो चुका है नेट प्रॉफिट क्वार्टरली वाइज, और ईयरली वाइज भी देखें तो लगभग डबल के आसपास ही है। तो इनकम भी बढ़िया है कंपनी की, नेट प्रॉफिट भी सही निकल के आ रहा है, और EPS भी उसी हिसाब से इंक्रीज़ हो चुका है 0.48 से बढ़ के 0.76 तक, और क्वार्टरली वाइज प्रीवियस क्वार्टर में 0.40 था, तो उससे बढ़ के 0.76। तो ईयर ऑन ईयर बढ़िया परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली वाइज भी बढ़िया परफॉर्मेंस है। तो दोस्तों अब हम कंपनी के चार्ट पैटर्न की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों इसका अभी शेयर प्राइस 133 पे ट्रेड हो रहा है, और 6% की तेज़ी देखने को मिल रही है हमें फ्राइडे के दिन। और अगर 5 दिन में देखें तो इस शेयर ने लगभग 6.5% के रिटर्न दिए हैं, और 1 महीने में 5% के नेगेटिव रिटर्न, और 6 महीने में पैसे डबल से भी ज़्यादा हो चुके हैं, लगभग आपके 191% के इसने रिटर्न कमा के दे दिए हैं 6 महीने के अंदर। और अगर 1 साल का हम देखें तो 176% के रिटर्न, और 5 साल में 160% के रिटर्न, और मैक्सिमम अगर हम देखें तो 115% के रिटर्न दिए। ये कंपनी 2011 से लेकर अभी तक के रिटर्न है दोस्तों, तो लगभग 12 साल हो गए, 12 साल में 115% के रिटर्न। पहले कंपनी कुछ ज़्यादा कोई खास परफॉर्म कर नहीं रही थी यहाँ पे इस फेज़ में, 2017 के बाद से डाउनफॉल होना स्टार्ट हुआ, फिर फ्लैट चली, फिर अब कंपनी को काफ़ी ऑर्डर मिले हैं, और तब जाके इसका नेट प्रॉफिट भी बढ़िया हुआ, और ये शेयर ऊपर जाते जा रहा है अभी फिलहाल। तो दोस्तों ये एक हाईली रिस्क की कंपनी है, अभी 4,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और PE रेशियो 72 है। और दोस्तों अगर हम इसकी बैलेंस शीट की तरफ जाएं, तो यहाँ पे आप सेल्स देख पा रहे होंगे, 2013 से लेकर अभी तक का जो डेटा अवेलेबल है, लगभग 800 करोड़ की सेल्स थी जो पहले, वो बढ़ के लगभग 3,000 करोड़ के आसपास, आप मानो तो 3,000 करोड़ के आसपास सेल्स पहुँच चुके हैं फिलहाल। और नेट प्रॉफिट कंपनी का जो पहले 94 करोड़ था, तो फिर ये डाउन हुआ, और फिर उसके बाद 14 करोड़, फिर 27, 34, बीच में यहाँ पे नेगेटिव में भी था नेट प्रॉफिट, और अभी फ़िलहाल 65 देखने को मिल रहा है हमें। और पिछले 4-5 साल का अगर हम देखें ध्यान से, तो नेट प्रॉफिट हर साल इंक्रीज़ ही हो रहा है, 12 करोड़ 18 20, और अब 65 तक। तो नेट प्रॉफिट भी बढ़िया बन रहा है कंपनी, और अभी का रिज़ल्ट भी सही आया है। पर दोस्तों इसमें एक जो डेंट वाली चीज़ है जो मुझे ज़्यादा ठीक नहीं लगी, और बाकी आप अपनी स्टडी करके तभी सोचना मुझे, तो क्योंकि इसमें जो बोरिंग्स जो है 2014 से लेकर अभी तक देखें हम, तो 102 करोड़ से 1,000 करोड़ की बोरिंग्स हो चुकी है कंपनी पर, तो ये एक थोड़ा सा मुझे इशू लगता है। हाँ, रिजर्व्स कंपनी ने बढ़ाए हैं 500 से 1,300 करोड़, पर ये जो 1,000 करोड़ की बोरिंग्स हैं दोस्तों, 4,000 करोड़ की तो कंपनी है मार्केट कैप, और उस पर 1,000 करोड़ का हमें बोरिंग्स देखने को मिल रहा है, तो ये बहुत ज़्यादा हाई है। और बाकी आप अपनी स्टडी करके और अपने रिस्क के अकॉर्डिंग ही सोचना है इसमें कुछ भी करने के लिए। ईयरली अगर प्रमोटर्स की होल्डिंग भी देखें, तो 2017 में जो 52% थी, वो फिलहाल प्रमोटर्स ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, ये तो बहुत पॉजिटिव साइन है, 58% तक हो चुका है, ये बहुत पॉजिटिव। FIs ने भी अपनी होल्डिंग बढ़ाई है, अगर हम यहाँ पे देखें पिछले 3-4 साल के हिसाब से, 3-4 क्वार्टर के हिसाब से देखें, 1.82 1.89, फिर अब लगभग 2% के आसपास FIs, और DIs की भी ठीक ठाक है यहाँ पे 6% के आसपास, और पब्लिक की होल्डिंग 32% है। तो दोस्तों है तो ये हाईली रिस्की कंपनी, पर फिलहाल अभी दो तीन चार साल से कंपनी का परफॉर्मेंस ठीक रहा है, तो बाकी आप एक छोटे अमाउंट लगा के देख सकते हो। दोस्तों इसमें एक बड़ी भी अमाउंट बिल्कुल नहीं लगानी है, क्योंकि पैसे फंसने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, कई सालों तक ये कंपनी एक ही दायरे में चल रही थी, तो आप अपनी स्टडी करके और तभी इसमें इन्वेस्ट करने की सोचें।